बात है, पुलिस हमारे प्रमाणित हो गया, लेकिन मैं छोटा कार्यकर्ता हूं तो भी एसपी साहब से अपील करना चाहूंगा कि जो 3 से 4 का समय है उसको 2 से 3 में परिवर्तित करा लीजिए। सम्मानित साथीगण, सबसे पहले मैं अपने साथियों, विशेषकर मंच का सहयोग कर रहे, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा रहे सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम आप देख नहीं पाते, मैं चाहता हूं उन बातों को भी देखा जाए और समझा जाए। आंदोलन का जो ये तरीका है हमारा आपका, इसको और निखार लाने की जरूरत है, इस पर और काम करने की जरूरत है। साथियों, मेरा निवेदन है आपसे, मैंने बार बार आपसे कहा इस बात को, मुझे तालियां नहीं चाहिए, मैं मां बाप से माफी मांगते हुए इस बात को कहना चाहता हूं, मुझे तालियां नहीं चाहिए आपकी, बिल्कुल भी तालियां नहीं चाहिए। आप गंभीरता से सभी बातों को सुन लीजिए, आपकी तालियां मुझे वैसे ही मिल जाएंगी, मैं ताली बजवाने में यकीन नहीं रखता। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आदरणीय साई जी, आदरणीय गाजी जी, आपके नेतृत्व में पूरे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट से लेकर के अब तक सारे कार्यक्रमों में जो जिम्मा दिया गया, ईमानदारी से प्रयास किया कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। उसी क्रम में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी आपकी समस्याओं का समाधान जहां से है हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमारे बीच में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र शाही जी, संरक्षक आदरणीय शुक्ला जी मंच पर आ रहे हैं, मैं आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपको प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया था, अगली रणनीति आपने निश्चित तौर पर बना ली होगी, आप मंच पर आ रहे हैं, आपको अभी संबोधित करेंगे, पूरी बात बताएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हमारे सामने जो समस्या खड़ी हुई है यह समस्या कोई एक कारण से नहीं है। हम लोग समस्याओं के जाल में उलझाए गए हैं। अभी पिछले दिन लखनऊ में हम लोगों का धरना चल रहा था और एक समाचार चैनल ने इस बात को पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं राजनीति के बारे में। मैंने एक ही बात कही थी, वही बात आज भी मैं मंच से कहना चाहता हूं, हम लोगों की नियुक्ति जो हुई पता और शिक्षा मित्र, पंचायती राज एक्ट के संशोधन में प्राथमिक शिक्षा को, बेसिक शिक्षा को पंचायतों के अधीन किया गया उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी हम आपको बताने की जरूरत है। तब भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो बैठे हुए हैं यही उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने आपको शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त किया है, इन्हीं के द्वारा बनाए गए शिक्षा मित्र हैं जो आज जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, जिसके समय में हम लोगों ने लड़ झगड़ करके 200 बार हम लोग दिल्ली आए गए, कितना प्रयास करने के बाद बीटीसी का प्रशिक्षण की अनुमति मिली, वो दूसरी सरकार थी जब हमको बीटीसी का प्रशिक्षण मिला। तीसरी सरकार समाजवादी पार्टी की आई जिसमें हम लोगों ने 28-28 दिन लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में धरना देकर के तमाम प्रयास करके अपने बड़े से बड़े हुजूम को दिखाते हुए दोनों संगठनों ने सपा की सरकार को समझाया कि उत्तर प्रदेश में अगर आना है तो हमें अध्यापक बनाना है, और समाजवादी पार्टी ने हमारा समायोजन किया, उस सरकार ने हमारा समायोजन किया। हम ये नहीं कहते कि किस पार्टी ने हमको क्या दिया है, हम सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमने सबको सब कुछ दिया है और हर दल ने जो भी संभव हुआ हम लोगों ने लड़ करके लिया है। लेकिन यह बात उतनी ही कड़वी सच आज भी है कि आज हम इतने दिन के बाद अगर आज फिर आंदोलन की राह पर हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वही राजनीति है जिसके शिकार हम लोग हुए हैं। हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं,
हमें इस राजनीति से बचने की जरूरत है, हमें इन सबसे अलग रहने की जरूरत है, हमें नहीं कहने की जरूरत है हम वहां सरकार बनाएंगे, हम वहां सरकार गिराएंगे। ये हमारा दायित्व तो है, हम सरकार बनाते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम सरकार को नेस्तनाबूद भी करते हैं। समय आने पर दोनों काम किए जाएंगे, लेकिन आज इस बात को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज हमें अपनी बात रखने की जरूरत है। बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारा समायोजन जरूरत हुआ उसके पीछे जो कारण थे उनको आप बेहतर समझ सकते हैं। पहला कारण जिसके जाल में हम फंसे वो ये था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के समय हमारी कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई गई, जिसके कारण उमा देवी का केस, जैसा कि कल भाई दीक्षित जी बता रहे थे, उमा देवी का केस हम पर लागू हुआ कि नियुक्ति समायोजन के समय उनकी नियुक्ति के पहले की स्थितियां देखी जाती है, उन स्थितियों में हम फेल हुए। दूसरी स्थिति आई 23 अगस्त 2010 एनसीटी के उस अधिसूचना के पहले के नियुक्त लोग, जिसमें ट्रेन टीचर, अनट्रेन टीचर, पैरा टीचर तीनों को इन्होंने अपनी अधिसूचना की पैरा चार में 23 अगस्त 2010 के पहले के नियुक्त तीनों प्रकार के ट्रेन टीचर, अनट्रेन टीचर, पैरा टीचर तीनों को इन्होंने टीटी से छूट दी हुई है। हमें उस टीटी से छूट का लाभ उठा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजित किया, लेकिन बाद में जब उसका परीक्षण हुआ कोर्ट में तो पता चला कि ना तो हम ट्रेन शिक्षक की श्रेणी में आते, ना ट्रेन शिक्षक की श्रेणी में आते, ना पैरा टीचर की श्रेणी के शिक्षक हैं। हमारे साथ वहां से दूसरा विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ एक के बाद एक विश्वासघात होता गया। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती के साथ लड़े, और ऐसा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं सभी संगठनों की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं इस बात को, आप बड़े से बड़ा वकील आपके लिए खड़ा किया हम लोगों ने, अच्छे से आपके एविडेंस ला करके हम लोगों ने दिए, सारे प्रयास हम लोगों ने किए, इसके बावजूद भी अगर निर्णय आपके विरुद्ध आया तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं इस निर्णय को निर्णय कह सकता हूं लेकिन न्याय नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, मैं इस बात को मंच से कहना चाहता हूं। हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, हम आज भी उस पर आस्था रखते हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर जरूर कह देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारा समायोजन रद्द किया है, हाई कोर्ट ने हमारा समायोजन रद्द किया है, तो समायोजन हमारा रद्द किया है, हम नहीं हारे हैं। समायोजन रद्द किया है उत्तर प्रदेश की बनाई व्यवस्था का, और उत्तर प्रदेश सरकार हारी है, हम नहीं हारे। हम आपको मंच से कहना चाहते हैं, आपस में बताना चाहते हैं, हम मंच पर क्यों खड़े हैं, आज हम यहां धरना देने क्यों आए हैं। लोग तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, समाज में गंदी बातें फैलाते हैं कि आग्रह नहीं, सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है। आपने सुना होगा डिबेट में लोग कहते हैं कि ये आग्रह नहीं, सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये पूर्ण सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का हमारे विरुद्ध नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध है, और उत्तर प्रदेश सरकार से इसीलिए हम मांग करते हैं कि आपकी बनाई गई व्यवस्था को कोर्ट ने ध्वस्त किया है, आपके बनाए गए कानून को खत्म किया है कोर्ट ने, आपको उस कानून को फिर से बदलना चाहिए, और बदलने की जरूरत हो तो आप सक्षम नहीं है तो केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, दोनों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपकी है, आज आपके पास सारी पावर है। आपने लिखा भी है अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को 3 महीने के अंदर न्याय दिलाएंगे, कौन सा न्याय दिला दिया आपने, मैं इस बात को आपसे पूछना चाहता हूं। आपको चाहिए था कि 3 महीने का समय था आपके पास, आप व्यवस्था बनाते, जो भी गड़बड़ियां है समायोजन में उनको दुरुस्त करते, और फिर ला करके हम सहायक अध्यापक पत्र बैठाते, हम आपको फूल मालाओं से लाद देते, आज हम आपके साथ इतने लोग आते दिल्ली आपका स्वागत करने परिवार सहित, तो आपके मन में भी क्या खुशी होती और हम में क्या खुशी होती। आज हम मजबूर हो गए इस धरती पर आने के लिए तो केवल आपकी जिद के कारण। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं ये कमियां कहां से आई। उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने बेहतर लड़ाई लड़ी, इतने बढ़िया आंदोलन चलाए हमने जिलों पर, हमने प्रदेश स्तर का आंदोलन चलाया बेहतर, मुख्यमंत्री स्तर पे दो दो बार बात होती है, और वो यही नहीं, सवा सवा घंटा, डेढ़ घंटा बात होती है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक एक बिंदु पर बात होती है। सभी आईएएस आपके लिए कमेटी गठित करते हैं, इतना बढ़िया स्तर पे वार्ता होती है, समान कार्य समान वेतन पर लगभग सहमति बन जाती है। कहा भी मुख्यमंत्री महोदय ने कि बात करिए इनकी, अगर ये बात हो सकता है तो इसको कर देने में कोई हर्ज नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने उस माहौल को तैयार किया, लेकिन अचानक क्या हो गया कि पूरा माहौल बदल गया, और फिर पलट करके
सारी बातें दरकिनार करके 10,000 का मानदेय का प्रस्ताव आपका कैबिनेट में मंजूर किया जाता है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी कहीं ना कहीं कोई नकेल कसी हुई है, जाहिर सी बात है कि कोई इस शिक्षा मित्रों के मामले को हल नहीं होने देना चाहता है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है और हम उस गड़बड़ी को पहचान रहे हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता उस गड़बड़ी को पहचान रहे हैं और उस गड़बड़ी को दूर करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस मंच से कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर इकट्ठा हुए हैं, इतनी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो बिना परिणाम पाए जाने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं इस मंच से, यह परिणाम मिलेगा आपको, लेकिन धैर्य को बढ़ाए रखने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं अपने मंचस्थ नेताओं से, हमारे तमाम साथी उग्र हो जाते हैं, तमाम साथी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, इतिहास गवाह है और विज्ञान भी कहता है, जो जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा होता है।